हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएड के जो प्राइवेट टॉप कॉलेज है उन पर अपने डिस्कस करेंगे। जिन कॉलेज से बीपीएड करके पिछली भर्तियों में जो पीटी लगे हैं उन कॉलेजों की बात करने वाला हूं, और गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है या प्राइवेट कॉलेज बेस्ट है तो अपने सब डिटेल से इसमें बात करने वाले हैं। क्योंकि लगातार कॉमेंट आ रहे थे कि सर बीपीएड कॉलेज के बारे में वीडियो बनाई जाए, इसमें अपने बीपीएड डीपीएड एमपीएड सब के बारे में बात करेंगे, तो जो टॉप कॉलेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, कौन कौन से जो मोस्ट टॉप कॉलेज हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए, अगर अपने सबसे पहले डीपीएड की बात करें तो डीपीएड के लिए टांटिया यूनिवर्सिटी है जो श्री गंगानगर के अंदर है, वहाँ पर आप बीपीएड डीपीएड और एमपीएड कर सकते हैं। बीपीएड और एमपीएड तो आप कोटा यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के माध्यम से कर पाएंगे, लेकिन डीपीएड डायरेक्ट आप वहाँ से कर सकते हैं। डीपीएड की वहाँ पर 50 सीट है और बीपीएड की 100, एमपीएड की भी 100 सीट है। बीपीएड और एमपीएड तो आप काउंसलिंग के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन डीपीएड की टांटिया यूनिवर्सिटी से आप संपर्क करके वहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं 50 सीटों पे। और अगर अपने बीपीएड की डीपीएड की बात करें तो एक जोधपुर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है और दूसरा प्रतापगढ़ के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है। दोनों कॉलेज है प्रतापगढ़ और जोधपुर के अंदर, तीसरा डीपीएड कॉलेज ये है, यहाँ से आप डीपीएड कर सकते हैं। अब अपन बीपीएड की बात करें, बीपीएड के लिए अगला जो कॉलेज है देख लीजिए, MDU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा के अंदर है, यहाँ से आप बीपीएड कर सकते हैं। आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, बीए के बाद आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन, 12वीं के बाद आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी के अंदर। आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो आपकी ग्रेजुएशन है उसमें 45% आपके अंक होने चाहिए। और बीपीएड की जो अवधि होती है 2 साल की होती है। ये फीस है इतनी, यहाँ की फीस कम ज़्यादा भी हो सकती है, फीस हर साल बदलती रहती है, उन पर डिपेंड करता है कि उनकी हॉस्टल की फ़ीस कितनी है या उनकी कॉलेज की फ़ीस कितनी है, लेकिन इतनी मान सकते हैं कि इतनी फ़ीस कम से कम लगेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, देख लीजिए ये JGT कॉलेज है जो झुंझुनू के अंदर है, यहाँ से भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने बीपीएड कर रखी है और वो NCET से अप्रूव्ड भी है। अपने जो ये बात कर रहे हैं सभी कॉलेज NCET से अप्रूव्ड कॉलेज हैं, उनकी ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। देख लीजिए बीपीएड कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन के बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको 45% ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए। इसमें फ़ीस की जो प्रोसेस है, अपनी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस लगती है 22,370 का चालान कटेगा, उसके बाद आपकी हॉस्टल प्रोसेस रहेगी। इसमें आपका फिजिकल भी लिया जाएगा, क्योंकि जैसे कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होते हैं उसी प्रकार इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन होते हैं। और आप यहां पर बीपीएड बीपी 4 ईयर्स वाली कर सकते हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फ़ीस लगभग 60,000 होगी, यानी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस लगती है वो ये लग जाएगी, बाकी हॉस्टल फ़ीस इनकी अलग से है, तो वो आप कॉलेज में जाके संपर्क कर सकते हैं। अगले कॉलेज की बात करें तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के अंदर है, इसमें 62 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स यहाँ पर भी, यहाँ पर फ़ीस अभी इसमें बहुत कम है, लेकिन इसकी फ़ीस ज़्यादा भी हो सकती है। और यहाँ पर रिटर्न टेस्ट भी लिया जाता है और यहाँ पे स्पोर्ट्स आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी लिया जाएगा, उसके बाद आपके जो क्वालिफाई करेगा उसे ही इसमें एडमिशन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस साइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इस कॉलेज के बारे में। अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है देख लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इसमें भी 50 सीटें हैं, हॉस्टल व्यवस्था इसके अंदर है और 9,000 अप्रोक्स इंक्लूड हॉस्टल, यहाँ की फ़ीस कम है, यहाँ से भी आप बीपीएड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप ये साइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। अगले कॉलेज की बात कर लेते हैं, अगला जो कॉलेज है मालवा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बठिंडा, इस कॉलेज से भी काफ़ी साथियों ने 2018 वाली भर्ती के अंदर किए हैं और उनकी जॉब भी लगी है। तो यहाँ पर डीपीएड 2 साल की होती है, उसमें 50 सीटें हैं, बीपीएड वो भी 2 साल की होती है, बीपीएड भी 2 साल की है, उसमें 50 सीट हैं, बीपीई 3 ईयर की होती है, इसमें 50 सीट है। तो ये कोर्स आप मालवा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बठिंडा से आप कर सकते हैं। पटियाला के अंदर भी काफ़ी, पटियाला यूनिवर्सिटी के अंदर भी काफ़ी कॉलेज है, वहाँ से भी आप डीपीएड बीपीएड कर सकते हैं। अगला जो कॉलेज है गुरु काशी यूनिवर्सिटी सादुलगढ़ रोड तलवंडी साबो पंजाब, ये भी कॉलेज, यहाँ से भी काफ़ी साथियों ने बीपीएड कर रखी है। यहाँ पर बीपीएड की जो सीट है 100 है और आपको बैचलर डिग्री के अंदर आपके 45% अंक होना चाहिए और 2 साल की इसके अंदर बीपीएड करवाई जाती है। इसकी फ़ीस भी आप कॉलेज से डिस्कस कर सकते हैं फ़ीस कितनी है, क्योंकि बाहर से फ़ीस उनके अकॉर्डिंग होती है,
कम ज़्यादा होती रहती है, तो आप वहाँ पे डिस्कस यूनिवर्सिटी में कंफर्म कर सकते हैं जाके। मुख्य मुख्य यूनिवर्सिटी है जहाँ से बहुत से साथियों ने बीपीएड करके और 2018 वाली भर्तियों के अंदर लगे हैं, और मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम बता देता हूँ वहाँ से भी आप बीपीएड कर सकते हैं। देख लीजिए, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, हुड्डा यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है, सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर, संत तुकाराम यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के अंदर, और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर है, अमरावती के अंदर है, अमरावती महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी फिजिकल कॉलेज है जहां से आप बीपीएड कर सकते हैं और वैलिड भी है। लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल एजुकेशन कॉलेज ग्वालियर के अंदर, यहां से भी आप बीपीएड कर सकते हैं, यह भी वैलिड है। और भी काफ़ी कॉलेज हैं जहाँ से आप बीपीएड कर सकते हैं, ये देख लीजिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षक संस्थान ग्वालियर, यहाँ से भी काफ़ी लोग बीपीएड करते हैं और ये वैलिड है, वो काफ़ी पुराना कॉलेज है ये, तो आप इन कॉलेज से बीपीएड कर सकते हैं, वैलिड है। बाकी मेरा जहाँ तक मानना है आपको राजस्थान कोटा यूनिवर्सिटी के जो करवा रही है उन कॉलेजों से ही करनी चाहिए, अगर उनमें नहीं होता है तो आप राजस्थान के बाहर से कर सकते हैं। ये देख लीजिए, जो कोटा यूनिवर्सिटी करवाती है उनमें ये 20 कॉलेज है जहाँ से आप बीपीएड कर सकते हैं, बीपीएड के लिए कॉलेज है, देख लीजिए 20 कॉलेज, इसकी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर आपका होता है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इन यूनिवर्सिटियों से बीपीएड डीपीएड कर सकते हैं, ये एकदम एनसीटी अप्रूव्ड है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।